गुलबर्गा एजुकेशन हब है ही, लेकिन अब फूड ट्रेंडिंग में भी गुलबर्गा आगे बढ़ते जा रहा है और कैफेज का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसी को चलते हम बात कर रहे हैं कैफे 26 क्राउन, जो कि अब कैफेज के अंदर एक नया क्राउन बन चुका है। अपने इंटीरियर्स और टेस्ट के लिए जाना जाता है कैफे 26 क्राउन, और ये सिचुएटेड है हार्ट ऑफ द सिटी ESIC हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, जहां पर स्टूडेंट्स की काफी सारी डिमांड के बाद ये नया वेंचर स्टार्ट किया गया है। करीम बिदरी, वसीम और शाहिद का ये नया वेंचर, जिन्होंने इससे पहले 3 से 4 ऑलरेडी कैफेज दे चुके हैं, पब्लिक डिमांड के बाद उन्होंने कैफे 26 क्राउन को इस लोकेशन पर लाया है। इस कैफे के अंदर आपको इटालियन के साथ साथ मेक्सिकन और ढेर सारे अलग अलग क्यूजींस मिलेंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ के शेफ से लेकर यहाँ का स्टाफ काफी कोऑपरेटिव और काफी टैलेंटेड है। कैफे 26 क्राउन अपने इंटीरियर्स के लिए जाना जा रहा है, जिसके अंदर वक्त दिया है सिराज शाहाना ने और उसे बरखूबी निभाया है पेंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर शम्स आर्ट्स ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश करते हुए अपने पेंट्स को अच्छी तरीके से रंग लाया है, और आर्किटेक्ट भी यहाँ पर अपना वक्त देकर बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। करीम बिदरी और उनके दोस्तों की ये पेशकश आपको जरूर पसंद आएगी। आइए देखते हैं इस इनॉग्रेशन के शॉर्ट हाइलाइट्स। कैफे 26 क्राउन ये नाम दिया है फाइन आर्ट ग्रुप ने। फाइन आर्ट ग्रुप, जो कि गुलबर्गा शहर के अंदर टेक्सटाइल्स के अंदर काफी बड़ा नाम है, अब कैफे लाइन में उन्होंने अपनी काफी अच्छी पकड़ बनाई रखी है। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और इमीडिएटली आप विजिट करें। कैफे 26 क्राउन की इफ्तिताह के मौके पे मैं अब्दुल करीम साहब और वसीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये लोग जो कारोबार शुरू किए हैं इसमें कामयाबी अता फरमाए और तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी तमेलू बंद गुलबर्गा जनते बंद रुचि वर्ग नोड़ो यशस्वी ताँगू होटल इनू ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡೆ ಬಡೆ ಸಿಟೀಸ್ ಮೇ ಜೋ ಆಜ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇ ಉಸ್ ಮಾಡಲ್ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಇಸ್ ನೌಜವಾನ್ ಟೀಮ್ ಜೊ ಹೇ ಉಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಶಹರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಇಸ್ ತರಹ ಕಾ ಏಕ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಿ ಹೇ ಮೈ मुबारकबाद पेश करता हूं उनको, और साथ ही साथ गुलबर्गा शहर के आवाम से भी अपील करता हूं कि आए यहां पर, इनको खिदमत का मौका दे। यूनिक आइडिया को लेकर के उन्होंने हिम्मत करके एक किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अल्लाह सुबहाना ताला से भी मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह सुबहाना ताला इनकी इन काविशों को, इनकी इन कोशिशों को, इस कारोबार को बरकत से नवाजे और उनको तरक्की।
वेज नॉन वेज पूरे वेराइटीज़ के स्नैक्स यहाँ पे मिलते हैं, और ऑल टाइप जूसेस जो आजकल मेट्रो सिटी में जो चल रहे हैं, आज हमारे गुलबर्गे के अंदर यहाँ पे एएसआई हॉस्पिटल के सामने आज हमारे अब्दुल रजाक बिदरी साहब को, उनके फैमिली को और उनके फर्जंद को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपको यहाँ का जो इंटीरियर जो है यहाँ पे डिफरेंट इंटीरियर है, अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो हमको मेट्रो सिटी में बैठे जैसा फीलिंग आता है। यहाँ का इंटीरियर और सब बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ईएसआईसी हॉस्पिटल होने के नाते बहुत सारे रूरल से लोग आते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का हब हुआ है, उसमें हमारे वसीम भाई और उनके साथी मिल के बहुत अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला है। आज जो गुलबर में पहली बार ये एरिया में अलग होगा, तीन चार दुकान, ये इम्पोर्टेंट एरिया है, ये एयरपोर्ट रोड है, फ्लाइट को जाने वाले आने वाले थोड़ा जल्दी आए तो यही होटल लगता। पूरा स्टेट के लोग आते हैं इधर, और जो लोग तो ऑल इंडिया के लोग आते हैं यहाँ। ईएसआई मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी है, इसकी वजह से बाहर के लोगों ज़्यादा आते, वो लोगों को उसके उनके टेस्ट, पश्चिम बंगाल से भी आते और जम्मू कश्मीर में भी आते, दिल्ली से भी आते, कर्नाटक से भी आते, सब लोग इधर आते। वो बच्चों को, वो मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छा टेस्ट मिलते, ये सब लोग बैठ सकते, और फैमिली रेस्टोरेंट भी है ये गुलबर्गा में, ये एरिया में निकले से ये बड़ा ये होटल अच्छा चल रहे हैं। 26 क्राउन कैफ़े के नाम पर बहुत अच्छी होटल खाई हुई है, इसको बिल्कुल गुलबर्गा और एक्सटेंशन एरिया में जितने भी लोग आएंगे गुलबर्गा में एंट्री होंगे उनके लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा लैंडमार्क रहेगा। रजाक बिदरी साहब को, हमारे करीम साहब को, शाहिद साहब को, वसीम साहब को और उनके अहले खानदान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए हैं यहाँ पर, मैंने टेस्ट भी किया है, पिज्ज़ा बनाए थे और फिश एंड चिप्स थे और सैंडविचेस थे, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, टेस्ट तो लाजवाब है, और माशाल्लाह जो यहाँ पे बनाए हैं इंटीरियर से बहुत अच्छे हैं। मैं आवाम को गुजारिश करता हूँ, एक बार आइए आप, आके देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ पर, टेस्ट भी अच्छा है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ एक बार आके आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिए, आप लोग नाराज नहीं होंगे। सबका ताउन है, मगर मैं सबसे ज़्यादा हमारे फैजान बिजली को मुबारकबाद देता हूँ, जो उसकी जस्तजू और उसका जो इसमें ताउन है आप लोगों के साथ, जो आप लोगों का उनके साथ जो ताउन रहा है, उसके हिसाब से मैं यही चाहता हूँ कि बच्चा दिन रात जो भी तरक्की करे और ऐसे और दो चार ब्रांच खोले। यहाँ के यूनिक कॉन्सेप्ट में आकर यहाँ के बेहतरीन कॉफ़ी और डिशेस का मज़ा लीजिए, और उसके लिए मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये नौजवान छोटी उम्र में एक बड़ा काम, बड़ा बीड़ा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तौफीक अता फरमाए, मज़ीद ताकत अता फरमाए, इनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, और इसी तरीके से यूनिटी से, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, एक टीम वर्क जो आपने स्टार्ट किया है, इस टीम वर्क को ही आप कैरी कीजिए, क्योंकि आपकी यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी यूनिटी है, क्योंकि पार्टनर्स जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो बहुत जल्दी उन्हें सक्सेस, उन्हें मंजिल तक रीच हो सकते हैं। मैं सभी लोगों का जो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए थे, मेरे अहले ख़ानदान को और मेरे दोस्त अहबाब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बहुत छोटा सा कैफ़े की ओपनिंग थी, ये आप लोगों की मौजूदगी ने इसे बहुत बड़ा बनाया है और हमें बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। ये हमारा पहले भी हमारे ब्रांचेस भी ओपन हो चुके हैं, कैफ़े 26 क्राउन का फर्स्ट ब्रांच है। यहाँ पे क्या क्या डिशेस जो है न्यू आपके पास अवेलेबल? यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये तो नॉर्मल बेसिक आइटम्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पास्ता और कालगोन्स और फिश आइटम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। कैपेचिनो है, एक्सप्रेसो है, डबल शॉट हमारे पास कॉफ़ी के लिए है, बिल्कुल एएसआई के बिल्कुल सामने मौजूद है इसका कैफ़े 26 क्राउन सेरम रोड पे, जो कि बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाया है। एक बार यहाँ का एम्बियंस देखिए, यहाँ का टेस्ट करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को, गुलबर्गा वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़, आपका सेलिब्रेशन कुछ भी कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं हमारे पास,
आप लोगों को स्पेशली अगर एक पहले अगर हमें बोले तो आप हम आपको अरेंज भी करके देने के फैसिलिटी रखे हैं। एक बार टेस्ट करिए आप हमारे कैफ़े को आके, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इस कैफ़े में आइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ कैफ़े के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अल्फाजों से ज़्यादा प्रैक्टिकली आप यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कैफ़े की खूबसूरती क्या है और जिस तरीके से डिज़ाइन में, और एक बार यहाँ के खूबसूरती के बारे में बोल रहा हूँ। खाने का मज़ा तब आता है जब इन्वायरमेंट खूबसूरत हो। यहाँ पे जो कैफ़े टाउन के बारे में जितने भी लोग तारीफ करे हैं 26 कैफ़े, यहाँ पर एक बार जो आएगा उसका दिल नहीं भरेगा, 100 बार आने के बाद भी फिर आने को दिल करेगा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ करीम भाई, वसीम भाई और शाहिद भाई को कि बहुत ही अच्छा सेटअप लेके आए हैं माशाल्लाह। उसके बाद जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, लेकिन अगर आपने कलर पैलेट देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टेकन अ वेरी बोल्ड मूव एंड ज़बरदस्त रिजल्ट आया उसके। आपके सामने कैफे है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ उसका। साथ में मेरी टीम थी, टू बी मेंशन स्पेशल वंस, जैसे हमारे आर्किटेक्ट महबूब अली बागबान हैं और आर्किटेक्ट तस्मिया दनाज हैं, आर्किटेक्ट सोहेल हैं, असर हैं, ये सारे लोगों ने जो है ना काम करके जो है ये जो आउटपुट आया आपके सामने, उन लोगों की मेहनत का रिजल्ट। Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.